तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें फूलों का मैदान देखने को मिलता है, जहाँ पे ऐश और बाकी लोग पहुंच चुके हैं और हमारे हीरोज को ये जगह बहुत ज्यादा पसंद आ गई होती है, तो वो लोग यहाँ पे ब्रेक लेने का सोचते हैं। इसके बाद हमारे हीरोज अपने सारे पोकेमोन को बाहर निकालते हैं, जहाँ पे हर कोई अपने मजे ले रहा होता है। इसके बाद नॉयवॉर्ड आसमान में उड़ रहा होता है और ऐश उसे ज्यादा दूर जाने से मना करता है। इसके बाद हमें जंगल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे बीटल्स और ब्रोलूम देखने को मिलता है हमें। ब्रोलूम बहुत ज्यादा खुश होता है और उसके हाथ में एक फूल भी होता है। इसके बाद हमें नॉयवॉर्ड दिखाया जाता है, जो कि पेड़ों के बीच बीच से कट मार के ऐसे मार के भाग रहा होता है, और इतने में ही हो जाता है हादसा। एक्सप्लेनेशन नहीं, पोकेमोन की नॉर्मल एपिसोड चाहिए वो भी हिंदी डब में, तो तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो वियोन ऐप को, ये टोटली फ्री और यहाँ पे तुम्हें बहुत ही कमाल कमाल के एनिमे देखने को मिलेगी। सो जाके डाउनलोड करो वियोन ऐप को, या आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी हुई है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ब्रोलूम और ब्रीडल्स नॉयवॉर्ड पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुके होते हैं। इस टक्कर की वजह से जो हमारा नॉयवॉर्ड है वो फूलों के ऊपर बैठ चुका होता है। इसके बाद वो पोकेमोन नॉयवॉर्ड पे अटैक कर लेते हैं और नॉयवॉर्ड की जो चीख है वो बहुत दूर तक जाती है और हमारे हीरोज भी वो सुन लेते हैं और ऐश को लगता है कि नॉयवॉर्ड किसी मुसीबत में। अभी हमारे हीरो जंगल की ओर बढ़ रहे होते हैं, वो पोकेमोन अभी भी नॉयवॉर्ड पे कंटिन्यूअसली अटैक कर रहे होते हैं। वो पोकेमोन ऐश और बाकियों से उलझना नहीं चाहते, इसलिए वो वहां से चले जाते हैं, लेकिन नॉयवॉर्ड को बहुत ही ज्यादा डैमेज पहुंच चुका होता है। इसके बाद ऐश क्लेमेंट से पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई एंटीडोट है जो नॉयवॉर्ड की हेल्प कर सके? लेकिन क्लेमेंट के पास कुछ नहीं होता है और अचानक से वहां पे प्रकट हो जाती है एक फ्लूविड, और फ्लूविड नॉयवॉर्ड को ठीक कर देती है अपने जादुई पाउडर से। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि नॉयवॉर्ड अच्छा फील कर रहा है और नॉयवॉर्ड ठीक हो चुका होता है। इसके बाद नॉयवॉर्ड शुक्रिया करता है फ्लूविड को। उसके बाद हमें देखने को मिलती है तीन रॉकेट, जो कि हमारे हीरोज के ऊपर नजर रख रही होती है। इसके बाद हमारे हीरोज को पता चलता है कि बहुत सारे फ्लूविड हर साल आते हैं इस मैदान में, लेकिन बाकी सारे फ्लूविड है कहाँ, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही है। और अचानक से एक हवा का झोंका आ जाता है और वो फ्लूविड को अपने साथ ले जाता है, लेकिन नॉयवॉर्ड उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। अभी फ्लूविड नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन नॉयवॉर्ड उसे पकड़ लेता है। इसके बाद हमें ब्रोलूम दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। हमारे हीरोज के सामने ब्रोलूम और ब्रीडल आ जाता है और वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है। बाद ब्रोलूम जो है वो ब्रीडल्स को अटैक करने के लिए कहता है, लेकिन वो ऐश और उसके दोस्तों पे अटैक करने के लिए नहीं कह रहा होता है, वो नॉयवॉर्ड पे अटैक करने के लिए कह रहा होता है। एंड ब्रीडल्स की वजह से हमारे नॉयवॉर्ड का बैलेंस थोड़ा बहुत गिर जाता है और फ्लूइड नीचे गिर जाता है, और जैसे वो भी नीचे आ चुका होता है, इसके बाद जो हमारा ब्रोलूम है वो अपने दिल पे हाथ रख के हमारे फ्लूइड को प्रपोज कर लेता है, मतलब फूल दे देता है। अभी बाकी लोग समझ गए हैं कि ब्रोलूम इतना गुस्सा क्यों था, भाई बंदी पटाओगे तो उसकी तो वो गुस्सा ही होगा ना। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि फ्लूइड ब्रोलूम के ऊपर इंटरेस्टेड ही नहीं है, मतलब एटीट्यूड। फ्लूविड जा रही होती है लेकिन ब्रोलूम उसे अपने साथ ले जाता है, मतलब जबरदस्ती। ये क्या बदतमीजी है भाई, मतलब अगर लड़की ना माने तो उसको जबरदस्त रहा हूं, इसने ना टिकटॉकर्स की वीडियो देख रखी है। इसके बाद ऐश अपने नॉयवॉर्ड को बैटल करने के लिए कहता है उनके साथ, लेकिन ये देखने के बाद तुम देख रहे हो भाई हमारे ठरकिल लौंडे का रिएक्शन, ये देखो। एंड इस तरह का भूतिया रिएक्शन देखने के बाद हमारा नॉयवॉर्ड डर जाता है। इसके बाद होलुचा और हमारे बाकी दोस्त नॉयवॉर्ड को थोड़ा बहुत तलाशा देते हैं, भाई तू कर सकता है कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। इसके बाद हमारे नॉयवॉर्ड के अंदर थोड़ा बहुत जोश आ जाता है और वो टैकल का इस्तेमाल करता है और वो खुद ही पेड़ से टकरा जाता है, मतलब पेड़ पे कौन टैकल करता है भाई। अभी बीडल्स हमारे नॉयवॉर्ड के ऊपर अटैक करना चाहते हैं, लेकिन ब्रोलूम उन्हें रोक देता है, क्योंकि वो भी खुद बैटल करेगा, मतलब पटाने की पूरी प्लानिंग चल रही है। वो फ्लूइड को पहले पेड़ की डाली पे रखता है और कहता है आह अब हम फाइट करेंगे। इसके बाद क्लाइमेट कहता है शायद से वन ऑन वन बैटल होने वाली है, और सरीना कहती है ऐश तुम्हें, ऐश कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, नॉयवॉर्ड खुद बैटल करना चाहता है तो मैं क्या ही करूं। इसके बाद इन दोनों की बैटल स्टार्ट हो जाती है, लेकिन नॉयवॉर्ड सिर्फ पिट ही रहा होता है और पिकाचू नॉयवॉर्ड की मदद करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन होलुचा उसे रुका देता है और कहता है कि ये नॉयवॉर्ड की बैटल है वो खुद लड़ेगा। और ऐश भी इस चीज पे एग्री कर लेता है कि हाँ ये नॉयवॉर्ड की बैटल है वो खुद लड़ेगा, तेरे को जाने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद हमें तीन रॉकेट दिखाई जाती है, उन लोगों ने कुछ ना कुछ प्लान बनाया और उनको वेस्ट ना करते हुए यहाँ से चले जाते हैं। अभी नॉयवॉर्ड और ब्रोलूम की बैटल फिर से चली रही होती है, जिसमें सिर्फ नॉयवॉर्ड ही पिट रहा है, और अभी ब्रोलूम नॉयवॉर्ड को खत्म करने वाला होता है, मतलब पूरा लास्ट अटैक और केओ खत्म, टाटा बाय बाय सी यू। और इतने में वहां पे फ्लूइड आती है और वो नॉयवॉर्ड को बचाना चाहती है, लेकिन ब्रोलूम इसे रास्ते से हटाना चाहती है, इसलिए वो फ्लूइड को हटने के लिए कहता है क्या मतलब कि मैं किसी बॉलीवुड पिक्चर की स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ। एंड इसके बाद उनके ऊपर अचानक से एक जाल आ जाता है, एंड गेस व्हाट, ये किसने किया होगा, ऑफ कोर्स तीन रॉकेट ने। एंड इसके बाद वो अपना लेजेंडरी आइकॉनिक डायलॉग फिर से देते हैं। तीन रॉकेट बहुत ज्यादा खुश होती है बिकॉज उन लोगों ने दो दो पोकेमोन को पकड़ लिया, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली। एंड वो ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए वहां पे स्मोक छोड़ के वहां से गायब हो जाते हैं, मतलब पूरा मिस्टर इंडिया बन जाता है।
बाद हमारे हीरोज क्लाइमेट से थोड़ी बहुत मदद मांगते हैं कि अपनी एक नई मशीन को बाहर निकालता है, और इस बार स्वयं क्लाइमेट गारंटी देगा कि इसमें धमाका नहीं होगा। लिख के ले लो मेरे से, ये सबसे ज्यादा कम टाइम तक चलने वाली मशीन है। इसके बाद क्लाइमेट अपनी मशीन को ऑन कर देता है और उन लोगों को एक सिग्नल भी मिलता है, तो वो उसी तरह डायरेक्शन में चले जाते हैं। और एज ब्रिडल्स को भी खुद को फॉलो करने के लिए कहता है, मतलब पूरा देख रहे हो जल्द। इसके बाद हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें टीन रॉकेट का बैलून दिखाया जाता है, और टीन रॉकेट के बैलून के बाद हमें दिखाया जाता है हमारे दो प्यारे प्यारे नन्नू से पोकेमोन और हमारे टीन रॉकेट की पैडी। और फ्लूविड थोड़ी बहुत डरी हुई होती है, लेकिन बिलूम उससे थोड़ा बहुत मोटिवेट कर, लेकिन फ्लूविड को उसके ऊपर एक पैसा का भी भरोसा नहीं होता है। क्या मतलब कि अपनी और अपनी क्रश की बात कर रहा है तू? इसके बाद हमें क्लेमेंट और बाकी लोग दिखाए जाते हैं, क्योंकि अभी कह रहा था ना कि ये मशीन सबसे कम टाइम तक चलेगी। इसके बाद हमारा जो नोएवुड है वो अपना सुपर सोनिक इस्तेमाल करता है, और थोड़े बहुत सुपर सोनिक और थोड़ी बहुत और कोशिश के बाद नोएवुड को पता चल जाता है कि वो लोग कहाँ पे है। अभी हमारे हीरोज टीन रॉकेट के अड्डे पे पहुंच चुकी होती। ऐश और हमारे बाकी हीरोज कहते हैं कि तुम पोकेमोन को छोड़ो वरना तुम्हारी हम छोड़ देंगे। और इसके बाद हमें थोड़ी बहुत छोटी मोटी बैटल देखने को मिलती है, जो कि हमेशा होती है। एंड इसी बैटल के दौरान हमें देखने को नॉइवर्ड दोनों प्यारे प्यारे पोकेमोन को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन नॉइवर्ड का हर एक टैकल जो है वो फेल हो रहा होता है, लेकिन नॉइवर्ड हार नहीं मानता और नॉइवर्ड दोबारा ट्राई कर रहा है। उसके बाद ऐश नॉइवर्ड को थोड़ा बहुत मोटिवेट करता है और नॉइवर्ड फिर से खड़ा हो जाता है। नॉइवर्ड कोशिश पे कोशिश कर रहा है उस केज को तोड़ने की, लेकिन वो सिर्फ असफल हो रहा है। बाद हमें दिखाया जाता है फिर से नॉइवर्ड को, जिसने एक नया मूव सीख लिया है, वाओ वेरी डेंजरस, एंड वो उस केज को तोड़ देता है। टीन रॉकेट ये देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक होती है और उनको पता है अभी उनकी छुट्टी होने वाली। उसके बाद हमें फिर से एक फाइट देखने को मिलती है, एंड इस फाइट के बाद एक ही रिजल्ट होता है, टीन रॉकेट हवा में और खेल खत्म। अभी फिर से बलूम और नॉइवर्ड अच्छे खासे दोस्त बन चुके होते हैं। इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारे जो प्यारा प्यारा हीरो है वो फिर से अपनी हीरोइन को प्रपोज करता है, लेकिन यहाँ पे फिर से बीच में विलन आ जाता है, जो कि नॉइवर्ड। और ये देखने के बाद फिर से हीरो और विलन की फिर से थूथूमैमैं हो रही होती है। इसके बाद एक हवा का झोंका आ जाता है और वो अपने साथ हीरोइन को ले जाता है। फिर हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे सिर्फ हमारी हीरोइन नहीं, वहाँ पे बहुत सारी हीरोइन्स है। इसके बाद हमारे हीरोज हीरोइन को ख्याल रखने के लिए कहते हैं अपना। इसके बाद हमारा हीरो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता है, क्योंकि उसकी बंदी भाग गई है, लेकिन फिर हौलूचा अपने हीरो को थोड़ा बहुत तसल्ली देता है, कोई बात नहीं। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर तुम लोगों को एपिसोड पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक ले बाय।